नेक्स्ट संडे के अगले संडे को आपका आपको इसका परीक्षा है, तो 2 वीक की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर ला सके। किन्हीं लोगों को 50+ लाना है, किन्हीं लोगों को 45 लाना है, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो आपको मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा ट्रिक बताओ, ऐसा टेक्निक बताओ जो मैंने पिछले 5 साल से गाइडेंस प्रोवाइड किया है अपने स्टूडेंट्स को, तो वो आपको के ट्रिक्स बताऊंगा और निश्चित रूप से आप इस 2 वीक को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे ताकि आपका RBW का परीक्षा निश्चित रूप से अच्छा तरीके से जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि RBWM का एग्जाम कब है। तो एग्जाम का डेट है दोस्तों 29 अक्टूबर 2023, यानी दोस्तों कुल मिलाकर आपके पास 12 से 13 दिन है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आप इसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें उसको जरा देखते हैं। दोस्तों आपके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार किया है, आप यहां देख सकते हैं। सो दिस इज आवर स्टडी प्लान फॉर 2 वीक। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा स्टडी प्लान है 2 वीक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो हमने कॉलम बनाया है उस पे मैंने दोस्तों आपको रो शो किया है। पहला जो हमारा कॉलम है उसमें मैंने डे शो किया है, नेक्स्ट कॉलम में मॉड्यूल शो किया है और लास्ट कॉलम में मॉक टेस्ट शो किया है। दोस्तों देखिए, एक प्रॉपर तरीके से काम करना है हमें ताकि हमारा ये एग्जाम सही तरीके से जाए। सबसे पहले मॉड्यूल प्रेफरेंस देख लीजिए आप। मॉड्यूल प्रेफरेंस की यदि बात करें यानी वेटेज की बात करें तो किस मॉड्यूल से सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो है हमारा मॉड्यूल नंबर बी, उसके बाद है मॉड्यूल नंबर सी, उसके बाद है मॉड्यूल ए, तब डी और लास्ट में ई। तो BCADE, दिस इज द प्रेफरेंस ऑफ द मॉड्यूल। तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि जो सबसे वेटेज जिस मॉड्यूल का ज्यादा है उसे हम लोग पहले कवर करेंगे। यानी दोस्तों देखिए, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हम लोग मॉड्यूल बी को कवर करेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं आपको निश्चित रूप से हेल्प करूंगा। 16 से 18 के बीच में दोस्तों हमारे ऐप पे आपको मॉड्यूल बी का यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 4 से लेकर 7 देना है। कैसे देंगे आप? तो जैसे मॉड्यूल बी का पहला यूनिट आप उतारेंगे यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 के हमारे कोर्स में इनरोल हो जाइए और उस कोर्स में दोस्तों जो PDF कोर्स है, जो शॉर्ट कंसाइज नोट है उसको देखिए, MCQs को सॉल्व कीजिए और फिर इस यूनिट वाइज मॉक टेस्ट को दे दीजिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर 5 से लेकर 12 यूनिट है। आप यदि RBWM के मैकमिलन बुक को देखेंगे दोस्तों, इफ यू गो थ्रू द मैकमिलन बुक ऑफ RBWM, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो मॉड्यूल बी है उसमें यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 16 है। तो आपको 3 दिन का समय मिल रहा है 16 से लेकर 18 तक, तो आप 5 से लेकर जो 16 यूनिट तक है उसको कवर कीजिए। प्रत्येक दिन दोस्तों आप जो है 4 यूनिट को कवर कीजिए और फिर एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। आपके पास आपके सामने 3 मॉक टेस्ट है, तो इस प्रकार से आपका मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 19 से लेकर 21 तक आप मॉड्यूल सी को कंप्लीट कीजिए। तरीका वही रहेगा, हमारे कंसाइज नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों उसके MCQs को सॉल्व करेंगे। यदि आपको जहां जरूरत हो वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। वीडियोस देखने के बाद दोस्तों आप मॉक टेस्ट लगा देंगे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 8 और 9। तो 19 से लेकर 21 तक आपको ये काम करना है। फिर 22 से लेकर 24 तक आपको मॉड्यूल ए को देखना है। मॉड्यूल ए में दोस्तों आपके पास 4 यूनिट है, हर एक दिन 1 यूनिट को देखेंगे और इसके बाद आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 1, 2, 3 लगा देंगे। और दोस्तों 25 और 26 तारीख को आपको मॉड्यूल डी पे फोकस करना है। मॉड्यूल डी की यदि हम बात करें कवरेज की, तो मॉड्यूल डी में दोस्तों आपके पास 4 यूनिट है, 2 दिन में कवर करना है, राइट? सो इन 2 डेज यू कैन कवर द मॉड्यूल डी एंड इन दिस मॉड्यूल यू विल गिव यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 10 और 11। तो इसमें हम लोग यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 10 और 11 देंगे। और दोस्तों 27 अक्टूबर को आपको मॉड्यूल ई कवर करना है। इसमें मॉड्यूल ई में भी दोस्तों आप देखेंगे तो 4 यूनिट है और उसके बाद आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 12 देंगे। बाकी जो 2 दिन है दोस्तों उसके लिए मैंने आपके लिए फुल रिवीजन का प्लान रख करके रखा है, यानी 2 मॉड्यूल को एक साथ आप कवर करेंगे और हमारा मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट है उसको आप देंगे। और 29 तारीख को उसी तरह आप मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट CDE को देंगे। तो दोस्तों ये आपका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए आगामी 12-13 दिन के लिए RBWM के लिए। आपको दोस्तों किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है RBWM का। चलिए दोस्तों एक कुछ और पॉइंट को डिस्कस कर लें, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जाइए। तो हमारे पास दोस्तों पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है जिसको मैं अपने ऐप पे अपलोड कर दिया हूं, तो जाके आप उसका हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों कुछ फिक्स टॉपिक है जो मैंने एनालिसिस किया है, उसे मैंने देखा है कि कुछ फिक्स टॉपिक है जहां पे केस स्टडी हर एक साल पूछा जाता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे केस स्टडी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में पूछा जाता है, केस स्टडी डेप्रिसिएशन में पूछा जाता है, WDV यानी रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, इस पे केस स्टडी पूछा जाता है। दोस्तों भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे केस स्टडी हर एक साल आता है, सरसे पे केस स्टडी आता है, EKYC है, कार लोन है, तो ये सब वो टॉपिक है जिस पे केस स्टडी देखा गया। मैं पिछले 5 साल का आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूं और दोस्तों मैंने 5 साल में बहुत लोगों को RBWM को 1 सप्ताह में निकालते हुए देखा है। तो निश्चित रूप से आपको तो 2 सप्ताह है, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में यदि डिलेमा में है कि निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, दोस्तों हमारे पास
सफिशियंट और प्रॉपर स्टडी मटेरियल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने भी केस स्टडी है ना, उसके लिए मैं आपको सेपरेट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। सभी केस स्टडी का एक जगह कंपाइलेशन है, जैसे केस स्टडी ऑन हाउसिंग लोन फॉर ऑल, तो आपको केवल उस केस स्टडी से गो थ्रू होना है, उसमें मैं सफिशियंट प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, निश्चित रूप से आप इस केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा व्हीकल लोन पे केस स्टडी है, क्रेडिट कार्ड के बिलिंग पे केस स्टडी है, एजुकेशन लोन पे केस स्टडी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी पे केस स्टडी है, बीसीएसवीवाई पे केस स्टडी 10 क्वेश्चन आता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ बॉन्ड पे केस स्टडी है, मैस्लो नीड पे केस स्टडी है, सीआरएम, ईएमआई, कैपिटल गेन, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, रिवर्स मॉर्गेज लोन, मॉस्लो थ्योरी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है दोस्तों। तो आपको मैंने 20 टॉपिक बताया, इस पे आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। और यदि आपको एक सिंगल सोर्स चाहिए जहां पे आपको सारा चीज मिल जाए, तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को आप इनरोल हो सकते हैं। आज आपके लिए 50% का डिस्काउंट है, ये ऑफर आज के लिए वैलिड है और मिडनाइट में ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आप कूपन कोड को यूज कर सकते हैं वीकेंड 50 को, और 50% का डिस्काउंट और लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ना, इसमें आपको पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप पीडीएफ देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, फिर एमसीक्यूज लगा लेंगे, फिर मॉक टेस्ट दे देंगे। और इस प्रकार जैसे कि मैंने आपके लिए स्टडी प्लान बनाया है, उसको आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप स्टडी प्लान, राइट। तो इस स्टडी प्लान को आप देख सकते हैं और इसी प्रकार से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो यदि आप इस प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आरबी डोलोम का एग्जाम आप निकाल पाएंगे। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ कोर्स की रिक्वायरमेंट है, मात्र पीडीएफ चाहिए, तो आज आज आपके लिए विशेष ऑफर है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो